शिंदे सरकार ने जब से महाराष्ट्र की बागडोर संभाली है तभी से रोज आए दिन महाराष्ट्र के लोगों के हित में कोई ना कोई फैसला लेती ही है। महाराष्ट्र विधानमंडल के वर्षाकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर सह्याद्री गेस्ट में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार ने 75 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को एसटी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है। सरकार के इस फैसले पर कई लोग अचंभित हैं कि कई लोग तो 75 की उम्र तक जिंदा भी नहीं रहते, तो सरकार इस योजना से आखिर क्या साबित करना चाहती है। लेकिन देखिए, इस 72 साल के बुजुर्ग से जब हमने इस सरकार के योजना के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा। मेरा अपना 72 उम्र है, रमेश शक्कर मेरा नाम है। अच्छा डिसीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि उनको आमदनी भी कुछ नहीं रहती है, क्योंकि उनको भी तो कोई गरीब है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा भी है, कोई किसी कम बेरोजगार भी है, तो उनके लिए भी अच्छा है। अब भी बहुत कम है जो 75 के ऊपर जो एसटी में प्रवास कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में 65 ईयर्स एज होती तो बहुत अच्छा होता। सुविधा अभी तक ऐसा दिया है कि जो 12वीं क्लास तक जो विद्यार्थी नहीं है, जो केड़ोपाड़ा में रहती है, उनको भी मानव विकास योजना अंतर्गत फ्री योजना का पास दिया गया है, इसके लिए वो सहूलत भी अच्छी है। अभी का सरकार पहले का सरकार ऐसा कुछ मायने नहीं रखता है पब्लिक, पर प्रवासी के लिए वो उत्साहजनक योजना है क्योंकि उसमें बहुत फायदा हो रहा है गरीब लड़कों या विद्यार्थी को। हाँ हाँ, पहले से ही है और इसका बहुत से चढ़ोपाड़े में सब लोग उसका वापर कर रही है। स्कूली बच्चों को भी बहुत फायदा हो रहा है इसका, और इनको कैसा ठराविक बस रहती है, टाइम से आती है, स्कूल में जाने जाने के लिए अच्छा रहता है, ये योजना अच्छा है। और अभी जो योजना आई है वो भी अच्छी है, ये मानव विकास अंतर्गत योजना का जो है वो योजना है। पहले तो इन्हें खुशी हुई कि सरकार सीनियर सिटीजन के बारे में सोच रही है, बुजुर्गों के लिए काम कर रही है, लेकिन आखिर में इन्हें भी पता चला कि सरकार किस तरह से नाम और काम कर रही है। एक्चुअली देखने के लिए जाए तो कोरोना के हिसाब से आदमी का जो उम्र है वो घट गई है, तो इसके लिए कुछ उम्र कुछ कमती करेंगे मुख्यमंत्री तो अच्छा है। इनका भी कहना है कि कोरोना की वजह से लोगों की उम्र घटती जा रही है, लोग कम उम्र में स्वर्गवासी हो जा रहे हैं, 75 तक शायद ही कोई इंसान बच पाता है। तो अगर सरकार इस कानून में थोड़ा संशोधन करे, इस नियम में थोड़ा संशोधन करे और उम्र थोड़ी कम करे तो नागरिकों को इसकी सुविधा मिल पाएगी, लोग इस नियम का इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन 75 की उम्र काफी ज्यादा हो गई है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता सुरेंद्र जोटिंगे की रिपोर्ट।